गिर रहा हो? ऊपर से आता है। हाँ राइट राइट। तो ये जो प्लेस है इसमें ये उठाना पड़ता है। हाँ हाँ, तो देख सकते हैं गाइस वहाँ से आके पाइप में से पूरा नीचे गिर रहा था, कोई अलग हो गया बेस। And I'm getting mighty tired of your trifling ways and listening to that jackass break. Back to my new vlog. So guys, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ वॉक पर। एज यूजल आपको पता है फिटनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। तो देख सकते पीछे बैकग्राउंड कोई क्यों नहीं है, यहाँ अराउंड हमारे घर से 1-3 किलोमीटर दूर है। हमेशा मैं ऐसी बाहर निकल जाता हूँ 6 से 6:30, अराउंड 7-8:30 को घर पर रहता हूँ, फिर वो एज यूजल अपना रूटीन डेली का। तो यहाँ पर देख सकते बैकग्राउंड में कोई नहीं है और ऐसी बहुत नॉइस नए जगह से आना, जैसे कि पब्लिक नहीं है कुछ नहीं है, तो हम आपको फ्रीली भाग सकते अपन, ऐसा रहता। तो सनराइज़ भी बहुत ज़बरदस्त दिख रहा, यहाँ से सनराइज़ बहुत ब्यूटीफुल दिखता गाइस, आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए आप भी। तो कभी भी ठंड के मौसम में, जैसे कि ठंड के मौसम में फिटनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, सुबह उठो वॉक करो, अपनी हेल्थ को अच्छा रखो और अच्छा खाओ, अच्छा फिट रहो। तो कुछ नहीं गाइस, देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। मैं तो मस्त भाग लेते कर लेते आपसे बात करूँ, तो पूरा कंप्लीट करके आपको सुकून से मिलेंगे गाइस। ओके सो गाइस, देख सकते आप वॉकिंग चल रही मेरी हमेशा के लिए। हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, ऐसे वॉक करना बहुत अच्छा लगता भाई। कहीं भी निकल जाओ फॉरेस्ट एरिया में या अच्छा नीट जगह पे जब निकल जाता हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता वॉक कर लेते हैं। देख सकते हैं आपकी मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो यहाँ पर आ चुका हूँ मैं, मस्त वॉकिंग कर लेते हैं। और सामने कुछ लोग आए, कुछ बंदे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, आप भी देखो क्रिकेट, देख सकते क्रिकेट खेल रहे बंदे। सो गाइस, हमारा वॉक कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं घर पर। घर जाने से पहले आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं। तो गाइस, आज का ये व्लॉग एज यूजल डेली रूटीन रहता, बट स्पेशली आज मैं एक फैक्ट्री जा रहा हूँ, वहाँ पर उसका एक्सप्लोर करेंगे। और वो फैक्ट्री कौन सी है आपको वहाँ पर जाके पता चलेगा। तो वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाके पूरी फैक्ट्री एक्सप्लोर करेंगे और उसके वो कैसा मैनुफैक्चरिंग होता, कैसा जाता और फैक्ट्री का क्या लुक है, आपको वहाँ पर जाके मैं डिटेल देता हूँ। तो आप घर को चलिए, घर के जाके आपको वहाँ फिर मैं मिलूँगा बहुत जल्द। सो गाइज, वेलकम बैक। जैसे कि आपको मैं बोला था फैक्ट्री एक्सप्लोर करेंगे, अब ऑन द वे हूँ। तो मेरे साथ कौन है, गेस कीजिए। मुग्राम, मुग्राम भाई। हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। यस, तो अब हम जा रहे हैं फैक्ट्री एक्सप्लोर करने। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मुग्राम भी जा रहा, बस सुने था यहाँ पर एक फैक्ट्री, वो जाके पूरा देखेंगे कॉटन। वहाँ आपको सस्पेंस में रखा था, नहीं बोला था कौन सी फैक्ट्री है, मैं अब बोल रहा हूँ कॉटन मिल है। कॉटन मिल को जाके एक्सप्लोर करेंगे। कॉटन मिल यानी पत्ती, वो फील्ड में उगाते नहीं, क्या बोलते हैं वो कॉटन रुई, कपास, उसको कपास भी बोलते हैं एक वर्ड पे भाई। तो वहीं जा रहे ऑन द वे, जाके पूरा एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स बिगिन अवर वीडियो। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी कॉटन फैली हुई है, कॉटन का पूरा पहाड़ है गाइस। देख सकते हैं मुग्रम भाई कैसा दिख रहा, देख सकते हैं गाइस क्या कॉटन है, बोल रहे आप, देखिए गाइस क्या बोले मुग्रम भाई, सीड्स है उसके अंदर। तो गाइस ऐसा कुछ ऊपर मारे वाले था, सो गाइस देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैं कॉटन मिल में आ चुका हूँ। हमारे साथ है नागेश भाई जो यहाँ पर वर्क करते हैं। हाँ, तो पूरा अपने दोनों डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, कैसा क्या होता, कहाँ पर कॉटन जाता, कहाँ पर सीड्स निकलते और कहाँ पैकेजिंग होती,
उसका हम कैसा लोड करते हैं पूरा उन्होंने डिटेल लेंगे, हम उनके साथ रहेंगे, उन्हें कहाँ कहाँ लेके गए वहाँ पर वो जगह जाके आप लोगों को डिटेल में बोलेंगे। चलिए, ये डॉक्टर क्या काम करता है हमारे नगीज में? ये जो ये कपास है, ओके, ये कपास को ये बकेट में भर के हडबॉक्स में डालता है, इसका नाम है हडबॉक्स। क्या नाम है इसका? हडबॉक्स बोलते हैं, ओके ओके। ये हडबॉक्स में से माल ऐसा थोड़ा क्लीन होता है, ओके, हाँ, क्लीन होने के बाद में इसमें आता है। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग कैसा पीसेस गिर रहे हैं उसके, ये है क्लीनर, ओके, जो कपास को खुला करके इसमें डालता है, हाँ, और जो कपास के अंदर की जो धूल मट्टी है, ओके, हाँ, वो इसमें नीचे गिर जाएगी, ये नीचे, हाँ, गिरे वाली नीचे गिरी भी, हाँ, हाँ जी। वो कट के उसका वेस्ट मटेरियल नीचे गिरता, हाँ, जो भी मट्टी है, डस्ट है, ओके, जो हार्ड कपास है वो पूरा नीचे गिर जाए, ओके ओके, जो सॉफ्ट है वो ये बेल्ट के जरिए अंदर जाए ऐसा ऊपर, हाँ, ये ऑटोमेटिक सिस्टम से है, हाँ, जैसे भी अपने उधर वो ट्रॉली अंदर लग जाएगी ये बेल्ट अपने आप चालू हो जाएगा, ओके। तो ये ऊपर चले आता बोलो, ऑटोमेटिक सिस्टम है गाइस पूरा, हाँ, अभी ये चालू हो गया, ये अपने आप जाके अंदर में ट्रॉली में माल भराएगा, जबरदस्त दिख रहा, ये आते होके खुले होके आ जाएगा। गिर रहा है वही ना, हाँ, ये कन्वेयर से सर, हाँ, की जो मशीन माल को अलग कर देती है, हाँ, ओके ओके, तो बीज इधर आ जाएगा और जो बीज, हाँ, बचेगी, हाँ, वही उधर चली, ओके। अब ठहरो, अब इसके ऊपर से गिर रहा हो, हाँ, इसके ऊपर से आता है, हाँ, राइट, तो ये जो प्लेस है इस पे आना पड़ता है, हाँ हाँ, तो देख सकते गाइस वहां से आके पाइप में से पूरा नीचे गिर रहा, देखो ये अलग हो गया, पूरा कुप्पा मारे से हर जगह, हाँ, बाकी लोडिंग की गाड़ियाँ भी इधर लगती है अपनी, हाँ हाँ, लोड हो जाएगी, राइट, वो जबरदस्त दिख रहा, मेरे को तो अच्छा पसंद आया है, ऊपर जाके नीचे गिरने का शॉट, क्या मतलब अक्रम और को फेंकेंगे और क्या है भाई अन्ना,
है, जैसे ये पैनल से ये पूरा सिस्टम अपना चालू हो जाएगा। और ये जो डिस्प्ले दिख रहा है, इसमें ये डिस्प्ले में अपने को जो मशीन में फॉल्ट आएगा, वो फॉल्ट अपने को डिस्प्ले में आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ये डिस्प्ले में ही सॉल्व हो जाएगा। और बाकी जो है तो आप देख रहे हैं घटा कैसे प्रेस हो रही है। जेसीबी का रहता है तो छोटा सिलेंडर रहता है और वो इतना प्रेस कर देता है कि हद से ज़्यादा, तो इसका तो समझो इतना बड़ा सिलेंडर है, तो देखो कि इसमें ताकत कैसी रहती होगी। ऐसे तीन सिलेंडर लगे हुए हैं इसमें जो दबाने के काम आते हैं और 50 एचपी की मोटर इसको वर्क करती है। छोटी सी मशीन है जिसके जरिए घटान को पट्टी मारा जाएगा, जिससे अपनी बेल बैकिंग एकदम परफेक्ट से फिट बन जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरा मैन्युफैक्चरिंग होके पूरा स्टॉक उनका यहाँ पर आके अवेलेबल मिल जाता। यहाँ से अब यहाँ से सवारी कहीं भी जा सकती, बहुत ज़बरदस्त सीन है गाइस। पूरे रुए पूरा 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 पैक हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। मुकरम भाई भी है साथ में, साथ में नगेश भाई है। नगेश भाई बहुत हेल्प करे हमारे। और क्या नगेश भाई, और कुछ है? बढ़िया जी। यहाँ से वो लोड करके भेज देते हाँ। तो गाइस जैसे कि देख लिया आप चुके, कितना मज़ा आया नहीं आया देखने में मशीना, हाँ बहुत ज़बरदस्त दिखा है। साथ में मुकरम है, मुकरम भाई ज़रा बोलो कैसा था एक्सपीरियंस अंदर का, पूरे मशीना की आवाज़ आप पूरे कार्टन देख के बोलो भाई। बहुत ज़बरदस्त था मुकरम भाई, बोले अरे क्या ज़बरदस्त दिख रहा, हम नाले तो कैसा दिखता था ना, बोल रहे मुकरम भाई। तो बंदा जो बता है डिटेल जो दिया उन भी बहुत अच्छा है, बहुत पूरा आवाज़ा दे, ज़्यादा बात नहीं करी अपन लोगों का, मगर बाहर आके अब आप लोगों से मिल रूँ भाई। बहुत वर्किंग अच्छा है, कॉटन मिल भी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोसेस चल रहा। अब मैं पूछा उनसे क्या रेट चल रहा कॉटन का, बोले तुम्हें वैसे ही, उन्होंने बोले 9,500-10,000 रुपये बोल के बोले, क्या बोलते फिर भाई? 9,500 हाँ ऐसा अपने पास ये रेट चल रहा भाई, बहुत अच्छा है। यहाँ के ओनर भी मिले हमको, उन्होंने बहुत अच्छे इंसान है, और उन्होंने खुद बोले एक्सी से हमको आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपना ब्लॉग करिए आराम से करिए। और उन्होंने डिटेल के वास्ते खुद का एक वर्कर को हमको दे दिए, पूरा डिटेल उन्होंने बताया अपने पूरे कार्टन के, अपने को उतना नॉलेज नहीं है ना मशीनों के बारे में, कौन सा कहाँ जा रहा क्या है। तो वो बंदा बहुत अच्छा था, पूरे डिटेल में बोला, आवाज़ आ रहे थे कुछ सुनने नहीं आया। तो गाइस ऐसे कुछ था, मेरे बैकग्राउंड देख सकते हैं आप, पूरी मशीन है वहाँ, यहाँ कार्टन वाटन हर जगह वही देख सकते हैं आप, वो पूरा पैक हो गए। तो गाइस ये एक छोटा सा ब्लॉग था कार्टन मिल का,
यहाँ पर आके पूरा एक्सप्लोर करके अब एंड करने का टाइम आ चुका है। और अच्छा दिखा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नया ब्लॉग बहुत जल्द आने वाला है। अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा मगर अच्छा ला रहा हूँ। क्या बोलते हैं भाई, धमाका होने वाला। हाँ, धमाका होने वाला है यहाँ से। अब बस दुआ में याद, फिर एक मिलेंगे अगले ब्लॉग में। जब तक अल्लाह हाफिज़।